जी हाँ नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में फायरिंग वाली घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीकर जिले में कुछ दिन पहले गैंगस्टर राजू ठेठ के साथ भी इस फायरिंग वाली घटना को अंजाम दिया गया था। अब हनुमानगढ़ जिले में भी ऐसा एक और मामला देखने को मिला है, जिसमें लॉरेंस गैंग ने एक व्यापारी की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग वाली घटना को अंजाम दिया है। दरअसल जानकारी में सामने आया कि बाइक पर आए तीन नकाबपोश बदमाशों ने शनिवार सुबह हनुमानगढ़ में एक व्यापारी की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। करीब 30 सेकंड तक गोलियां चलने के बाद बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दो नकाबपोश फायरिंग करते दिख रहे हैं। उनका तीसरा साथी बाइक स्टार्ट करे हुए खड़े हुए है। एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौर ने बताया कि एक आरोपी को बीकानेर से हिरासत में ले लिया गया है। दो अन्य आरोपी की पहचान भी हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। वारदात में उपयोग की गई बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के ऋतिक बॉक्सर ने ली है। उसने फेसबुक पर पोस्ट कर इस घटना की जिम्मेदारी ली है। व्यापारी से कुछ बदमाशों ने लॉरेंस गैंग के नाम पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। वहीं पुलिस ने भी एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।